हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो अल्टीमेट आप क्लास टेंथ पास कर चुके हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से हम क्लास टेंथ पास कर चुके हैं। और अब हमें या तो इंजीनियरिंग फील्ड या फिर मेडिकल में हमारा आगे का जर्नी जो है वो स्टार्ट करना है। ओके, और उसमें फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत बहुत थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझना होते हैं। इतने इजी से वो कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, और आईआईटी जेई और नीट में आप देखते जा रहे हैं दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हमारी कंट्री को बहुत अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं सिनेरियो, आज का सिनेरियो आप देख सकते हैं। अभी भी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होने के बाद भी इंजीनियर्स और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए आईआईटीज और एनआईटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके, और उसी की प्रिपरेशन हमको करना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास में जो सिंगल सब्जेक्ट था, जो साइंस आपका था, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ पर बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी आपको पढ़ना है। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहाँ पर पूरा आपके पास में मैथमेटिक्स एक एक बहुत बड़ा सिलेबस है। ओके, और उसके साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। तो साइंस अब तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पहले भी अगर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग ही सब्जेक्ट है। और फिजिक्स को किस तरीके से समझ सकते हैं, फिजिक्स में हम ऐसी चीज़ों की स्टडी करेंगे जो फिजिकली प्रेजेंट होती है, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस देख लिया होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं फिजिकल चीज़ों से, फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, लेंथ, मास। ओके, उसको हम जैसे मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज का जब कभी स्टडी करते हैं तो वो है फिजिक्स। ओके, फिजिक्स का सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड, टू एनालिसिस फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज, एक टूल है। ओके, और बिगर मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स का एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझ सकते। ओके, अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है, मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं है, तो फिजिक्स का रूट ही नहीं बना सकते। ओके, वो बेस है, मैथमेटिक्स फिजिक्स का बेस है। ओके, तो हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का बेस क्रिएट करेंगे, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। और मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे हम किसी टाइप का फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे। उसकी हेल्प से ही हम अच्छी रैंक लगा सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। सो यू आर ऑल वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला, माई सेल्फ अनुपम पांचाल, एंड वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर। इट इज़ नॉट अ चैप्टर, ये आपको किसी बुक में चैप्टर नहीं मिलेगा, पर इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि उसके बिगर फिजिक्स अधूरा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। तो हम देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ओके, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। ओके, तो इसमें हम सारी चीज़ें वन टू वन डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं,
स्ट्रेट लाइन किस तरीके से हम समझ सकते हैं, किस तरीके से हम एलिप्स को समझ सकते हैं, पैराबोला को समझ सकते हैं, हाइपरबोला को समझ सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट वन टू वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन। ओके, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन। ओके, इफ यू आर राइटिंग y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर x और y क्या है, x और y है वेरिएबल्स, तो x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं, और दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y भी लिख सकते थे, इनवर्स फंक्शन में हम फाइंड कर सकते हैं, पर अगर जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है y इज फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, इट्स अ टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, सारी चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ें, सारे फंक्शन, सारे पैरामीटर, सारी फिजिकल क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करते, पर टाइम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट फंक्शन। ऐसे ही हम पोजिशन की बात करें, पोजिशन की बात करें तो पोजिशन भी एक टाइप से इंडिपेंडेंट फंक्शन हो सकता है, पर पोजिशन किसी पार्टिकल का, किसी पार्टिकल का, किसी ह्यूमन बॉडी का पोजिशन खुद टाइम पर डिपेंड करता है, पर पोजिशन को हम इट्सेल्फ कंसिडर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और दोनों के बीच में अगर हमने कोई फिजिकल रियलिस्टिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया तो उसे हम कहेंगे फंक्शन। तो किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और कैसा रिलेशन, रियलिस्टिक रिलेशन। ओके, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, जिसे आपने लिखा वेलोसिटी, आपने कहा वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, आपने कहा एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, वेलोसिटी फंक्शन टाइम का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो सकता है। आपने कहा प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, किसी कंटेनर का प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, उसके टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, हम एक एक करके सारे फंक्शंस की स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है फंक्शन का, फर्स्ट कैटेगरी है पॉलिनोमियल फंक्शन, फर्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू ए एन एक्स रेस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस, इस टाइप से लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म्स ए नॉट। ओके, इस तरीके से अगर हमने रिप्रेजेंट किया किसी फंक्शन को तो हम कहेंगे उसे पॉलिनोमियल फंक्शन, और यहाँ पर n को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, n को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, n को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर n इक्वल टू वन है, अगर n इक्वल टू वन है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
ओके, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा और इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। और जब इस y को x के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट करेंगे तो हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब कि अगर हमने y को y एक्सिस पे y लिया, x एक्सिस पे वैल्यू x का वैल्यू लिया और इसे प्लॉट किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ ऐसा। ओके, तो नेक्स्ट उसी की हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो तो हमको पता है पर उसके कॉन्सेप्ट हमको देखना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है, उसका फर्स्ट टाइप है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन की, तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप, तो इसे हम रब कर देते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, ओके, वाई एक्सिस लिया हमने, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया और कोई स्ट्रेट लाइन को हमने प्लॉट किया। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, यहाँ हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के साथ में, सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाती है। ओके, और इसका अगर हम टेंजेंट निकालते हैं, मतलब टेन थीटा, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं एम से, डिनोट करते हैं एम से, इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा। किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, स्लोप कैन बी डिफाइन एज द टेंजेंट ऑफ एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा एंगल हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। तो स्लोप कैन डिफाइन एज, स्लोप कैन डिफाइन एज टेंजेंट, टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल विथ, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, टेंजेंट ऑफ एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। ओके, तो यहाँ पर स्लोप को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है पॉजिटिव स्लोप जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव स्लोप जब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव स्लोप, जब थीटा का वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है या फिर 180 भी हो सकता है। और एक और कैटेगरी है, यहाँ पर एक और कैटेगरी है इन्फिनिटी स्लोप जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। हमें पता है 1090 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी स्लोप। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये जो केस होगा इट इज़ पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है वो है पॉजिटिव स्लोप। ओके, अब हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम नेगेटिव स्लोप ड्रॉ करेंगे। ओके, हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप। यहाँ दिख रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है, ये जो थीटा है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज़ नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप होगा। तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, और थर्ड कैटेगरी है अगर लाइन थर्ड कैटेगरी हम देख रहे हैं, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ओके, ये x एक्सिस है
और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एसी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, ऐसे लाइन का स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो हमने अलग अलग कैटेगरी देखा स्लोप का, ओके। अब स्लोप के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। वन बाय वन हम सारी कैटेगरी देखेंगे, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हम नहीं छोड़ेंगे जो फिजिक्स में यूज हो, ठीक है। आपको सारे वीडियो लेक्चर वन बाय वन देखना है, एक भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं छूटेगा जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होगा और हम फिजिक्स में यूज करेंगे, ओके। सारे कॉन्सेप्ट में वन बाय वन बताएंगे, आपको शांति से पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं और लास्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होंगे। हम बात कर रहे हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने स्ट्रेट लाइन को लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट इज द स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। m हमको पता है, m क्या चीज है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m क्या चीज है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। और c क्या है, c का मतलब जानने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी का मतलब जानने के लिए हम, अगर इफ एक्स इक्वल टू जीरो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू जीरो होता है, ओके, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू जीरो होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू जीरो है, ये वाई एक्सिस होगा। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट करें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा हमको c, ओके। तो हम इसे कह सकते हैं c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो बच्चों हमने यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट देखा, इट इज़ द स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमको m पता होना चाहिए, यहाँ पर हमको c पता होना चाहिए, हम बहुत इजीली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ओके। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन making angle 30 degree with x-axis, 30 degree with x-axis and passing through c equal to 5 on y-axis, ओके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू होगा 10 30 डिग्री, तो m इज इक्वल टू 1/√3, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू 5, तो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर ये बेस्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। अगर हमको दो पॉइंट गिवन है, ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। मतलब कि अगर हमको दो पॉइंट गिवन है, ध्यान से समझना हमें, अगर हमको दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2,
ओके, और इनसे पास होने वाली, इनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं. ओके, हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है हमको, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप m विच इज़ इक्वल टू tan थीटा. ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, तो ये जो एंगल थीटा होगा वही एंगल एक्स एक्सिस के साथ भी ये लाइन बनाएगी. अगर इसके हाइट की बात करें तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखो हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर ये वैल्यू है वाई टू, ये वैल्यू है वाई वन. ओके, यहाँ पर और सेम इज इट इज एक्स वन एंड एक्स टू. यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ. ओके, ये जो वैल्यू है ये है वाई वन और ये है वाई टू, सेम इज इट इज एक्स वन एक्स टू. तो यहाँ से अगर मैं हाइट की बात करूँ तो वो होगा वाई टू माइनस वाई वन. ओके, वेरी सिंपल. और यहाँ से अगर मैं बेस की बात करूँ इस ट्राइंगल की तो वो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके, आप बताइए बेस क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ मतलब हाइट, तो वो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके, तो स्लोप हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमको पता चला. स्लोप के लिए हमको फार्मूला मिला m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. स्लोप का फार्मूला हमको यहाँ से मिलता है. ओके, अच्छा, अगर सेम इज इट इज एक्स टू वाई टू को रिप्लेस करके कोई थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं. ओके, तो एक्स वाई को रेंडम पॉइंट ले लेते हैं. नाउ फॉर एनी रेंडम पॉइंट सेम इज इट इज रेंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई के लिए अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो होगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन. ओके, तो ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया. इन दोनों इक्वेशन से अगर हम दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. ओके, क्या हमको मिल रहा है, इक्वेशन वन और टू से दोनों को इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम. ओके, इक्वल टू एम, और एम का वैल्यू हमको पता है तो एम का वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं. m का वैल्यू हमको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हाउ, y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ओके, ये हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है. ओके, यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि y, क्या लिख सकते थे, y माइनस वाई वन इस x माइनस एक्स वन का अगर m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो ये भी एक इक्वेशन होगी. अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है और स्लोप डायरेक्टली गिवन है तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, और अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं हम. सबसे पहले हम, अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, किस टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, व्हेन
अ पॉइंट एंड एंगल, एंगल विथ एक्स एक्सिस गिवन। ओके, अगर हमको पॉइंट और एंगल गिवन है तो हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। मतलब कि अगर थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 45 डिग्री दे रखा है और पॉइंट दे रखा है 1, 2। ओके, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1, 2। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम, विच इज इक्वल टू 10, 45 डिग्री। एंड यू नो वेरी वेल 10, 45 इज इक्वल टू 1। 10, 45 का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है। अब हम लिखेंगे y माइनस y1, y1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू m, m का वैल्यू 1 इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू 1। ओके, तो हमको मिला y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, वेरी सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये माइनस 2 इधर राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 1। This is the required equation of the straight line. Okay? तो ये first concept हमने देखा, अगर हमको दो point given होंगे तो हम किस तरीके से solve करेंगे। Second concept देखते हैं, यहाँ पर हम एक line draw कर लेते हैं। Okay? Second concept हमारे पास में है, इसे हम color change कर लेते हैं। Second concept हमारे पास में है when two points गिवन, अगर हमारे पास में दो पॉइंट पता होंगे हमको और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे एक पॉइंट है 1, 2 और दूसरा पॉइंट है 3, 5। ओके, लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 5। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्लोप। फर्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं, जो कि होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, यहाँ पर y2 का वैल्यू क्या है, ये है y2, ये है y1, ये है x2, ये है x1। ओके, समझ में आया आपको। तो y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो स्लोप हमको मिला 3/2। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सेकेंड हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमको पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है, m का वैल्यू 3/2 आया, x माइनस x1 का वैल्यू 1 गिवन है। सो y, अगर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू y माइनस 2, ओके, 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमको जो जनरली पता होते हैं हमको, अगर दो एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता है, ये हमने वाई एक्सिस माना, ये एक्स एक्सिस माना, और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी है। ओके, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि 0, b है, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं a, 0 है। ओके, आगे देखते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं, वो होगा x/a + y/b = 1, वेरी सिंपल।
एक्स बाई ए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो हम प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं हाउ, हाउ यू कैन राइट इट। ओके, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म जो कि है पॉइंट फॉर्म। ओके, पॉइंट फॉर्म हमको पता चला, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2, y2 का वैल्यू कितना है, ये है y2, ये है y2, ये है x2, ओके, ये है x1, ये है y1। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो y2 का वैल्यू b है, y1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू 0 है, x1 का वैल्यू a है, x माइनस x1 का वैल्यू a। यहाँ पर वापस से वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू है 0, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय माइनस a इंटू एक्स माइनस a। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस b को हम डिवाइड कर देते हैं, तो y बाई बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई ए, वो भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा a बाई ए इज इक्वल टू वन। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताइए आप, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, जो बोला आपको समझ में आया, हाँ आया। ओके, तो इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फॉर्म को भी समझ सकते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल जरा ध्यान से देखिए, फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। तो गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है भैया, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक लाइन जिसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, लाइन इज लाइक दैट। ओके, सो दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 2। सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाइट कलर का यूज़ कर लेते हैं हम, एक्स बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी इट विल बी प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू वन। इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो बहुत इजीली आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम सिंपल सा, जो बहुत इजी अब आपके पास आपका हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल, फॉर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन एज, फॉर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन। ओके, तो हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिया, यहाँ वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम। ओके, और इक्वेशन हम यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ओ व्हाट इज दिस, ये है आपकी लाइन, इसे हम ज़ीरो टू ज़ीरो लिखते हैं ऐसा, यस। तो यहाँ पर जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी था 10 इन मीटर पर सेकेंड। ओके, जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी हो गया ज़ीरो। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम 5 सेकेंड, यहाँ पर 5 सेकेंड पर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। ओके,
वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन होगा वी डिवाइडेड बाई टेन लिख सकते हैं ना, जैसा ऊपर किया ऐसे नीचे करना, प्लस टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक्स की जगह हम टाइम ले रहे हैं तो टी डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, पर बायोलॉजी के लिए यही एक रास्ता है, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए यही एक रास्ता है। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरा ध्यान से समझिएगा, उनके लिए फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये लेक्चर्स आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमको फाइंड करना है टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहाँ पर टी का वैल्यू 5 पुट कर देंगे हम, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो टी का वैल्यू 5 पुट कर देते हैं हम, ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ पर, वी डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वी बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 5 बाई 20 क्या होगा 1 बाई 4, 5 बाई 20 1 बाई 4। तो यहाँ से अगर हम v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे v बाई 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 बाई 4। ओके तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी आएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 बाई 4। ओके तो t इक्वल टू मतलब 7.5 t इक्वल टू 5 पर ये वेलोसिटी होगा 7.5, ये जो पॉइंट मिलेगा ये 7.5 मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वेलोसिटी मिला हमको 30 बाई 4 मतलब कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन एक बेसिक इक्वेशन है जो फिजिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा यूज होती है। ओके तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेकंड डिग्री, मतलब कि सेकंड डिग्री में पूरा जो आता है वो कॉनिक सेक्शन आता है। तो अब क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं, अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर जब तक आप सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिए और ये सारे क्लास का पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए डाउनलोड करने के लिए ये सारे वीडियो लेक्चर हमको आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। वेबसाइट के लिए आपको टाइप करना है onlineepathshala.in, www.onlineepathshala.in। ओके वहाँ से आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच।